हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास फॉर स्टैंडर्ड फोर्थ फ्रॉम द बुक द मैजिक कारपेट फ्रॉम द बुक द मैजिक कारपेट क्लास फोर्थ लेसन नंबर फोर द किंग वांटेड टू टच द मून द किंग वांटेड टू टच द मून। वंस देयर वॉज अ प्राउड एंड फूलिश किंग। दिस इज जस्ट फॉर वार्म अप स्टूडेंट्स। Once there was a proud and foolish king. He loved to wear new clothes. एक बार एक बड़ा ही हंकारी और मूर्ख राजा था जो कि नए कपड़े पहनना पसंद करता था। One day, two tailors came to his court. They said they could make clothes that only the wise could see. एक दिन क्या होता है, दो दर्जी उसके कोर्ट में आते हैं, वो कहते हैं कि वो राजा के लिए एक नए कपड़े बनाएंगे जिनको सिर्फ समझदार लोग ही देख सकेंगे। ओनली द वाइज कुड सी। द किंग आस्क देम टू मेक अ सेट ऑफ क्लोज फॉर हिम। तो राजा ने उनको वो एक जोड़ी कपड़ा बनाने के लिए कहा। अ फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, द टेलर्स ब्रॉट द क्लोथ्स एंड हेल्प द किंग पुट देम ऑन। एक दिन राजा के लिए दोनों टेलर्स कपड़े लेके आते हैं और राजा को उनको पहनने में हेल्प करते हैं। द किंग कुड नॉट सी द क्लोज। राजा को वो कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे, बट ही डिड नॉट से सो बिकॉज देन द टेलर्स वुड थिंक ही वॉज फूलिश। क्योंकि राजा को लगता था कि अगर उसने कह दिया कि मेरे को कपड़े नहीं दिखाई दे रहे तो वो दर्जी उसको मूर्ख समझेंगे। द किंग वेंट फॉर ए वॉक। राजा वॉक के लिए चला जाता है, सैर करने के लिए जाता है। पीपल वर सरप्राइज to see the king without his clothes। लोग राजा को बिना कपड़ों के देखकर बड़े ही सरप्राइज थे। But everyone knew that if they said that they could not see the new clothes, others would think them foolish। वो भी यही जानते थे कि अगर उन्होंने कहा तो उनको मूर्ख समझा जाएगा। Suddenly a child shouted। अचानक एक बच्चा चीखता है, चिल्लाने लग जाता है। बच्चे के चीखने के बाद वेयर आर द किंग्स क्लोज, राजा के कपड़े कहाँ हैं। एंड स्टार्टेड लाफिंग, और हंसना शुरू कर देता है। एवरी वन लाफ्ट विद हिम, हर कोई उसके साथ हंसने लगता है। द किंग रैन बैक टू हिज पैलेस, जो राजा है वापस अपने महल में चला जाता है। ही वॉज नो लॉन्गर प्राउड एंड ही बिकेम ए गुड रूलर। उसके बाद उसका जो अहंकार खत्म हो गया था और वे एक अच्छा शासक बन गया था। हियर इज़ द स्टोरी ऑफ अनदर फूलिश किंग। तो इसी तरह हम एक और राजा की कहानी पढ़ेंगे जो कि ऐसे ही एक फूलिश किंग था। रीड व्हाट ही डिड इन हिज फॉल्स प्राइड, देखते हैं कि उसने अपने अहंकार में क्या किया। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए प्राउड एंड फूलिश किंग। बहुत समय पहले एक अहंकारी और एक मूर्ख राजा था। ही वॉन्टेड टू बिकम द बेस्ट किंग इन द वर्ल्ड, वो संसार का सबसे अच्छा राजा बनना चाहता था। पेसिंग अप एंड डाउन हिज रूम वन नाइट, ही लुक्ड आउट हिज विंडो एंड सॉ द मून। एक दिन वो अपनी रात को वो अपनी कमरे में ही घूमता फिरता रहा और उसने विंडो के बाहर देखा तो उसने मून की तरफ देखा, चंद्रमा की तरफ देखा। ही डिसाइडेड दैट ही वुड बिकम द फर्स्ट मैन टू टच द मून। उसने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वो उस चंद्रमा को छूने वाला सबसे पहला आदमी होएगा। ही समन्ड द रॉयल कारपेंटर एंड सेड आई वॉन्ट यू टू बिल्ड अ रियली टॉल टावर। उसने तरखान को बुलाया और कहा कि मैंने तुम्हें एक लंबा टावर बनाने के लिए बुलाया है। इट मस्ट रीच अप इन टू द स्काई, वो इतना लंबा हो कि वो आसमान तक पहुंच जाए। आई वॉन्ट टू टच द मून, मैंने इस चंद्रमा को छूना है। नेक्स्ट पेज। The sleepy carpenter rubbed his eyes and answered, "If we stack up every wooden box we have, we will be able to build a tall and sturdy tower." तो उसने तरखान ने अपनी आँखें रब करते हुए मलते हुए आंसर दिया कि अगर हमने एक अच्छा हार्ड टावर लंबा टावर बनाना है तो वुडन बॉक्सेज जो लकड़ी के बॉक्सेज हैं उनको हमें अरेंज करना होगा एक टॉल एंड स्टडी टावर बनाने के लिए।
हियरिंग दिस द किंग ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग एवरी वुडन बॉक्स दे कुड फाइंड। ऐसा सुनते ही राजा ने अपने सैनिकों को आज्ञा दी कि ऐसे लकड़ी के बॉक्सेस जहाँ कहीं भी दिखे वो उनको लेके आए। पीपल एम्प्टायर्ड देयर बॉक्सेस ऑन द फ्लोर एंड हैंडेड देम ओवर। तो लोगों ने क्या किया, अपने जो बॉक्सेस थे जिनके पास, जनता ने अपने बॉक्सेस खाली कर दिए, अपने उनके फ्लोर पर इकट्ठे कर दिए एंड हैंडेड देम ओवर, उनको दे दिए। व्हेन द सोल्जर्स अराइव्ड विद द बॉक्सेस द रॉयल कारपेंटर ऑर्डर्ड पाइल द बॉक्सेस अप वन ऑन टॉप ऑफ द अनदर देन आई विल नेल देम इन प्लेस। तो क्या हुआ, जब सैनिक वहाँ पे पहुँचे बॉक्स लेके, तो उस कारपेंटर ने उनको ऑर्डर किया कि सभी बॉक्सेस को एक दूसरे के ऊपर रखो, फिर उसके बाद मैं उनमें मेखे लगा दूँगा। दैट्स नॉट हाई इनफ, पर वो ज़्यादा ऊँचा नहीं था। द किंग कंप्लेंट एज ही सॉ द ग्रोइंग पाइल, वी नीड मोर बॉक्सेस। उसने कहा कि अभी ये काफ़ी नहीं है, कुछ और बॉक्सेस चाहिए, और बॉक्स लगाए जाएं। चॉप डाउन एवरी ट्री इन द किंगडम एंड मेक एज मैनी बिग बॉक्सेस एज यू कैन। उसने कहा कि राज में जितने भी ट्री हैं उनको कट कर दिया जाए और उनके बॉक्सेस बनाए जाएं। द वर्कमैन बैंग्ड एंड हैमर्ड, तो जो लेबरर थे, काम करने वाले थे, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, दरख्त काटने शुरू कर दिए। एंड डिड नॉट स्टॉप अंटिल एवरी ट्री इन द किंगडम हैड बीन टर्न्ड इनटू बॉक्सेस। वो तब तक नहीं रुके जब तक राज का हर एक बॉक्स, मतलब हर एक जो पेड़ है वो काट कर उसका बॉक्स ना बना दिया गया हो। द बॉक्सेज आर प्लेस्ड वन ऑन टॉप ऑफ अनदर एंड द टावर ग्रू टॉलर। बॉक्सेज आर प्लेस्ड, बॉक्सेस को एक के ऊपर रखा गया, जो टावर है वो काफ़ी लंबा हो गया था। द टावर ग्रू सो हाई दैट पीपल ऑन द ग्राउंड कुड नॉट सी द टॉप। तो जो टावर इतना लंबा था कि जो ज़मीन पर खड़े लोग थे वो ऊपर शिखर पर नहीं देख सकते थे। द किंग declared, I will climb the tower tonight and touch the moon. तो उसने कहा कि आज मैं इस टावर पे चढ़ के रात को उस चंद्रमा को छूकर दिखाऊंगा। People watched in wonder as the king climbed higher and higher. लोग ये देखकर हैरान हो रहे थे कि जो राजा था वो ऊंचा ही ऊंचा चढ़ता जा रहा था। He huffed and puffed until at last he reached the top of the tower. वो कहते क्या, हफ्ड एंड पफ्ड मीन्स होता है कि ब्रीदिंग नॉइसली, जब कोई बहुत ज़्यादा थक जाता है, वेरी टायर्ड, तब वो उसकी जो ब्रीदिंग की नॉइस होती है, उसकी सांसों की आवाज़ है जो हड़बड़ाने लगती हैं, तेज़ हो जाती हैं। तो ऐसी जो राजा की थी, वो तब तक उसका सांस ऐसे चल रहा था जब तक कि वो टावर के ऊपर बिल्कुल शिखर पर पहुँच ना जाए। द किंग स्टूड ऑन द टॉप मोस्ट बॉक्स एंड स्ट्रेच्ड हिज हैंड टू टच द मून। जैसे ही राजा बिल्कुल ऊपर शिखर वाले बॉक्स पर चढ़ा और उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया उस चंद्रमा को छूने के लिए, बट ही कुड नॉट क्वाइट गेट देयर, ही ऑर्डर द रॉयल कारपेंटर टू सेंड अप जस्ट वन मोर बॉक्स। उसने कहा कि वो अभी भी पहुँच नहीं पा रहा, तब उसने तरखान को बोला कि मेरे को एक बॉक्स और लगाया जाए। बट देयर आर नो मोर बॉक्सेज योर मेजेस्टी, द कारपेंटर शाउटेड। जो कारपेंटर था उसने चीखते हुए बोला कि मैजेस्टी का जहाँ पे और कोई बॉक्स नहीं है। द फूलिश किंग हैड अनदर आइडिया, तो जो मूर्ख राजा था उसको एक आइडिया आया। पुल आउट द वन एट द बॉटम एंड सेंड इट अप क्विकली। तो राजा ने कहा कि नीचे से एक बॉक्स को निकाला जाए और उसको ऊपर भेजा जाए, फास्ट क्विकली। इट इज़ कोल्ड अप हियर, ही थंडर्ड, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी उसको, उसको मतलब कि वो थरक रहा था, शिवरिंग हो रही थी उसको ठंड की वजह से। द कारपेंटर न्यू इट वॉज नॉट ए गुड आइडिया, तो तरखान को तो पता था कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है, बट ही कुड नॉट से नो टू द किंग, पर वो राजा को नहीं नहीं कह सकता था। ही टग्ड एट द बॉक्स एट द बॉटम विद ऑल हिज स्ट्रेंथ, फर्स्ट देयर वॉज ए क्रैक देन ए क्रैक देन विद द माइटी रंबल द टावर केम डाउन इन ए हीप। जैसे ही उसने पूरे जोर के साथ नीचे से उस बॉक्स को निकाला, टक्ड एट द बॉक्स एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे वाले, तो उसने अपनी पूरी ताकत के साथ निकाला। फर्स्ट देयर वॉज ए क्रैक, पहले उसमें क्रैक की आवाज़ आई, फिर क्रैक की आवाज़ आ रही, फिर क्या हुआ कि जो
बहुत ज़्यादा रंबल डीप्स होता है, लॉन्ग डीप साउंड, तो इतनी ज़ोर से आवाज़ आई कि जो पूरे वो टावर था नीचे उसके बॉक्सेस गिर गिर के वो एक ढेर लग गया। वैन द डस्ट सेटल्ड द किंग गॉट अप एंड लुक्ड एट द बॉक्सेस स्कैटर्ड एवरीवेयर। जैसे ही वो डस्ट सेट होती है, धूल मिट्टी से उसको दिखना शुरू होता है, तो राजा उठा और उसने देखा कि जो बॉक्सेस हैं वो इधर उधर खिलरे पड़े हैं चारों ओर। ही विश टू टच द मून हैड नॉट कम ट्रू। और उसने सोचा कि उसकी जो आशा थी उस चंद्रमा को छूने की वो पूरी नहीं हो पाई है। ही हैड मेड हिज सोल्जर्स एंड पीपल वर्क हार्ड एंड नाउ दे कुड ऑल सी हिज फुलिशनेस। तो उसने क्या सोचा कि उसने जो सैनिक हैं और लोग हैं उन्होंने तो बहुत हार्ड वर्क किया था, पर अब वो उसकी जो मूर्खता पे हंसेंगे। क्यों? क्योंकि वो कामयाब नहीं हो पाया था। आफ्टर सम डेज द किंग बिगेन हिज रॉयल ड्यूटीज अगेन। तो कुछ दिनों के बाद राजा ने अपनी जो रॉयल ड्यूटीज हैं उसको दोबारा से शुरू कर दिया, बिगेन शुरू करना। ही हैड लर्न्ड ए लेसन, उसने एक सबक ले लिया था। ही हैड रियलाइज्ड दैट लुकिंग आफ्टर हिज पीपल वॉज द ओनली वे टू बिकम द बेस्ट किंग। तो उसने क्या सीख ली, उसने क्या रियलाइज किया था कि अगर वो लोगों के हित को देखेगा, लुकिंग आफ्टर द पीपल हिज पीपल, अगर वो अपने लोगों के बारे में सोचेगा, देन एंड ओनली देन ही बिकम टू द बेस्ट किंग, तभी वो एक अच्छा राजा बन सकता है। इस मूर्खता से उसको पता चल गया था कि अपने लोगों की साथ के बिना और उनकी मेहनत के बिना वो कुछ भी नहीं है। उसने मूर्खता वाला काम किया है, तो अब वो एक अच्छा राजा बनना चाहता था। सो इस तरह दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, द किंग हु वॉन्टेड टू टच द मून। आई होप इट्स अंडरस्टूड ऑल बाय द स्टूडेंट्स। सो थैंक यू वेरी मच।